दोस्तों, एरोप्लेन में घूमना तो सभी को पसंद होता है, और क्यों ना हो, आसमान में उड़ने का सपना जो पूरा होता है। दोस्तों, आज तक आपने बहुत से प्लेन्स में ट्रेवल किया होगा, पर आज मैं जिन प्लेन्स की बात कर रहा हूँ वे दुनिया के सबसे बड़े और हैरान कर देने वाले प्लेन हैं, जिन्होंने अपनी क्षमता और विशाल आकार के कारण पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से प्लेन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखा है। एंटोनो एन 225 मरिया प्लेन। यूक्रेन की कंपनी एंटोनो सीरियल प्रोडक्शन प्लांट द्वारा बनाया गया ये एयरलिफ्ट कार्गो प्लेन दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा प्लेन है, जिसे सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम में मदद करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इस प्लेन में 32 पहिए लगे हुए हैं, जो इसे सुरक्षित लैंडिंग करवाने में इसकी मदद करते हैं। इसके आकार की बात करें तो ये कार्गो प्लेन 88 मीटर चौड़ा, 84 मीटर लंबा और 18.1 मीटर ऊंचा है। इस प्लेन की खासियत ये है कि ये एक बार में लगभग 250 टन का वजन ले जाने में सक्षम है, जो किसी अन्य प्लेन के लिए मुमकिन नहीं है। 1985 में बनकर तैयार हुए इस एरोप्लेन को कुछ कमियों के चलते सन 1994 में सेवा से हटा दिया गया था। फिर कुछ समय बाद सही स्थिति पर आते ही सन 2001 में पुनः सेवा में शामिल कर लिया गया। एयरबस A380। दोस्तों, यूरोपियन कंपनी एयरबस इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया ये प्लेन आज तक का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है, जिसमें एक बार में लगभग 525 से भी अधिक पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। 4 पावरफुल इंजन वाला ये प्लेन 73 मीटर लंबा और लगभग 79 मीटर चौड़ा है। इस प्लेन की क्षमता 32,000 लीटर है और ये प्लेन 1020 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इस प्लेन को बनाने का काम 1994 में शुरू किया गया था, जो 2005 में बनकर तैयार हो गया और इसने अपनी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2005 को भरी। दोस्तों, आज तक एयरबस इंडस्ट्री ने इसके 237 मॉडल तैयार कर लिए हैं और इसके एक मॉडल की कीमत लगभग $46 मिलियन है। लॉकहीड C5 गैलेक्सी। लॉकहीड कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा एयरफोर्स प्लेन है, जिसे 1968 में तैयार किया गया था और जिसने अपनी पहली उड़ान 30 जून 1968 को ही भरी थी। दोस्तों, इस प्लेन की चौड़ाई 19 फीट और लंबाई 121 फीट है। ये प्लेन इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में लगभग 6 हेलीकॉप्टर या 5 फाइटर टैंकों को ले जाया जा सकता है। अधिकतर इस प्लेन का यूज यूएसए की मिलिट्री करती है, जिसके पास इसके 131 मॉडल मौजूद हैं। इस अकेले एक प्लेन की कीमत लगभग 100 से 250 मिलियन डॉलर है। इस प्लेन की क्षमता की बात करें तो ये प्लेन ईंधन फुल होने पर लगभग 11,705 किलोमीटर तक उड़ सकता है। बोइंग 747 बड़े आकार का पहला प्लेन है, जिसे अमेरिका की कंपनी बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन द्वारा सन 1968 में बनाया गया था, जिसने अपनी पहली उड़ान 9 फरवरी सन 1969 को भरी थी और ये प्लेन तभी से सेवा में उपस्थित है। दोस्तों, इस प्लेन में 4 पावरफुल इंजन लगे हुए हैं, जो इसकी सफल यात्रा करवाने में इसकी मदद करते हैं। ह्यूक्स H4 हरक्यूलेस। दोस्तों, ये विशालकाय प्लेन पूरा लकड़ी का बना हुआ था, जिसे अमेरिकी कंपनी ह्यूक्स एयरक्राफ्ट द्वारा बनाया गया था, जिसे बनाने में लगभग 2.5 मिलियन डॉलर की लागत लगी थी। इस विशालकाय प्लेन की खासियत ये है कि ये हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में भी तैर सकता है। वर्ल्ड वॉर टू के समय बनाए गए इस प्लेन ने 2 नवंबर 1947 को एक छोटी उड़ान भरी थी। लकड़ी के बने इस बड़े आकार के प्लेन में 8 पावरफुल इंजन लगे हुए थे और प्लेन लगभग 75 टन का वजन एक बार में ले जाने में सक्षम था। इस प्लेन को भले ही अमेरिकी मिलिट्री यूज नहीं करती, पर यह था तो एक कमाल का प्लेन। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े प्लेन जिन्होंने दुनिया में अभी तक अपना दबदबा बनाए रखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।